मेष राशि, दोपहर तक दिन आपका बहुत अच्छा है, इसलिए रुके हुए कार्यों को दोपहर तक सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एक सावधानी अवश्य बरतें। इस दिन आप अपने मन से कोई किसी के बारे में राय मत बनाइएगा, बना भी लें तो दूसरों से एटलीस्ट मत कहिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। प्रतिष्ठा बचा के रखनी है इस दिन आपको। उपाय क्या करेंगे, कुत्तों को भोजन दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, भाग्य पक्ष अचानक कुछ अच्छी खबर आपको दे सकता है, लेकिन एक सावधानी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आपको रखनी होगी। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, दुर्गा जी की आराधना कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रुके हुए कार्य आपके पूरे हो रहे हैं, अचानक कोई यात्रा भी हो सकती है, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन आप एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन किसी को धन एकदम मत दे दीजिएगा, कोई आपको बहकाने की कोशिश करेगा धन के लिए, लेकिन बहकेगा मत। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सूर्य को जल दीजिए, मन को शांत कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, मित्रों के साथ कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी दिन कुल मिला के अच्छा है, चिंता नहीं करिएगा, कुछ अच्छा होगा और हो सकता है कि आप किसी यात्रा पर जाएं, प्रशंसा भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखना, इस दिन अपने क्रोध पर और अपने डर पर काबू पाएं। उपाय क्या करना है, चावल का दान कीजिए किसी को भी, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, लेकिन एक सावधानी आपको रखनी होगी, जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से, जो स्त्री हैं वो पुरुषों से बहुत मर्यादित व्यवहार करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आटे का दान जरूर कर दीजिएगा, तो जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए आप दुस्साहस बिल्कुल मत कीजिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा, एक सावधानी आपको विशेष रूप से रखनी होगी, इस दिन छोटे भाई बहनों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और पिताजी के साथ मनमुटाव मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, और हाँ, मन को शांत रख लीजिएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुला राशि, धन आदि के लिए दिन अच्छा है, इसलिए आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आगे बढ़ेंगे आप, एक सावधानी लेकिन रखना इस दिन बहुत जरूरी है, इस दिन आपकी भाषा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर की स्त्रियों को आदर भाव के साथ दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, जिन लोगों को किसी प्रकार के इन्फेक्शन की शिकायत रहती है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई नया कार्य शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक छोटी सी सावधानी जरूर रख लीजिएगा इस दिन, अपने बड़े बुजुर्गों की अनदेखी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, हल्दी का दान दीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनुराशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप ठंड मत खाइएगा बिल्कुल भी, ठीक है, अपने वस्त्र आदि ढंग से पहनिएगा। एक सावधानी इस दिन बरतनी, इस दिन कोई कीमती चीज खो सकती है, धन आदि में कोई नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन, दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, इस दिन बहुत परहेजी भोजन कीजिएगा, ठंडे भोजन से और खट्टे भोजन से बचिएगा, इस दिन एक विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, इस दिन आप वाहन किसी को मत दीजिएगा, नुकसान हो सकता है, और साथ साथ आप भी यदि आग या केमिकल्स पे काम करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सफेद वस्त्र का दान कर दिए, चाहे वो रुमाल हो या कोई बड़ा वस्त्र हो, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ी परेशानियां ला रहा है, धन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, पैसा कहीं उलझ सकता है, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, धैर्य मत खोइएगा और गुस्सा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर करने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, प्रभु जी आपकी बाधाएं दूर कर देंगे। मीन राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, थोड़ी सी मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके कार्य बन जाएंगे, किसी रुके हुए कार्य को पूर्ण करें, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है, और वो ये है, इस दिन अपनी पीठ और पेट का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। उपाय क्या करना है
ओम नारायण नमो नमः का जप करिए अभी और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।